हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू अबिट शिक्षा। टुडेज डेली न्यूज़ कैप्सूल इज ब्रॉट टू यू बाय अबिट शिक्षा। सो लेट अस बिगिन। आज के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है, आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, थोड़ा ही समय बाकी एग्जामिनेशन को, सो आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आर प्रेजेंट टुडे। फर्स्ट इज पैलेस्टीनियन फ्ली रफा बॉर्डर। आई कैन नॉट एम्फसाइज मोर ऑन दिस टॉपिक। इसराइल, आई एम वेरी 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 श्योर इफ प्लेसेज इन न्यूज़ में अगर कुछ टॉपिक आएगा देन यहाँ पर से आपको ज़रूर टॉपिक देखने को मिलेगा। वेस्ट एशिया से आपको टॉपिक देखने को मिलेगा, आपको ब्लैक सी रीजन एंड ऑल द रीजन्स इन एंड अराउंड द जोग्राफी ऑफ दैट रीजन, आई एम प्रिटी श्योर यहाँ से आपको ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, ठीक है। इसीलिए मैंने आपके लिए एक यहीं पर एक पिक्चर भी लाया है जहाँ पर वी विल सी द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ इसराइल। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वी विल डू द बॉर्डरिंग एरियाज, वहाँ पर डिजर्ट क्या है, नेगेव डिजर्ट, एरिस क्रॉसिंग, रफा क्रॉसिंग, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। सेकेंड इज कोल माइनिंग डैमेज जो है, रैट होल माइनिंग। बेसिकली यहाँ पर रैट होल माइनिंग के बारे में हम देखेंगे। ये रैट होल माइनिंग सिल्क्यारा टनल, इफ़ यू रिमेंबर सिल्क्यारा टनल जो कोलैप्स हुआ था, सो वहाँ पर से ये रैट होल माइनिंग का बहुत ज़्यादा आपको न्यूज़ में देखने को मिलेगा। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इज गवर्नमेंट टू स्पेंड 2 crore पर किलोमीटर रोड अलोंग चाइना बॉर्डर। यहाँ पे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट 2022-2023 के जो बजट है वहां पर पेश किया गया था, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। आई थिंक एब्सोल्यूटली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और काफ़ी लॉजिकल भी है। इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी, इफ यू आस्क एनी पोलिटिकल पार्टी और एनी बडी फॉर दैट मैटर, दे विल से कि येस, हम लोगों को अपना कनेक्टिविटी मजबूत करना है इफ़ यू वॉन्ट टू कॉन्कर चाइना, इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू लूज आर टेरिटरी एंड प्रॉपर्टी। अगर हम चाहते हैं कि ना लूज करें तो उसके लिए इस टाइप का प्रोग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप तीनों जो है टॉपिक्स आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा, हम उसको अच्छे डिटेल से समझेंगे, ठीक है। फर्स्ट इज ओके, सो फर्स्ट क्या है कि जो रफा का जो बॉर्डर है ना, द रफ बॉर्डरिंग एरियाज अराउंड रफा, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इफ़ यू लुक एट दिस मैप, ठीक है, दिस मैप विल गिव यू बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये अगर हम मैप देखेंगे, सो यहाँ पर अगर आप देखें, सो दिस इज़ योर इजिप्ट सिनाई पेनिनसुला, ठीक है, सिनाई डेजर्ट, या फिर इसको हम बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला, ठीक है, ये इजिप्ट का हिस्सा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, दिस इज़ द बॉर्डर ऑफ इसराइल, ठीक है। बहुत बहुत मतलब अगर आप जूम इन करेंगे ना इन योर गूगल मैप्स या फिर जहाँ पर भी आप देखेंगे, वहाँ पर बहुत छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। सो अगर आप देखेंगे, दिस इज़ द बॉर्डर्स ऑफ पैलेस्टीन, सॉरी इसराइल, ठीक है, ये इसराइल का जो है ये बॉर्डर है बेसिकली, जो मैंने रेड से अभी ड्रॉ किया। सो यहाँ पर क्या है, दिस एंटायर इसराइल का हिस्सा इज डिवाइडेड इन बिटवीन टू पार्ट्स, ठीक है, दो पार्ट्स जो है उसमें डिवाइडेड है। एक जो ये रेड कलर का हिस्सा है, दिस इज योर गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी जिसको हम बोलते हैं, एंड दिस पार्ट इज योर वेस्ट बैंक, ठीक है। ये क्या है, आपका वेस्ट बैंक का पार्ट है, दिस इज योर वेस्ट बैंक, दिस इज योर गाजा। ये जो दोनों जगह है, वेस्ट बैंक एंड गाजा, यहाँ पर क्या है, प्रीडोमिनेंटली अरब पॉपुलेशन रहता है, ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अरब्स का जो पॉपुलेशन है यहाँ पर रहता है, ठीक है। सो यहाँ क्या है कि गाजा स्ट्रिप जो है ना, दिस स्ट्रिप यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम क्या है, हमास जो है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था। और उन्होंने क्या किया कि हमास ने द अटैक्ड ऑन इसराइल, एंड इसराइल जो है अभी तक उनके ऊपर जो है कॉन्टिन्यूसली अटैक किए हुए जा रहा है। सो इफ़ यू लुक एट दिस, इफ़ यू लुक एट द गाजा स्ट्रिप, ठीक है, अगर हम गाजा स्ट्रिप को लाइक दिस, इफ़ वी ड्रॉ गाजा स्ट्रिप लाइक दिस, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को मैप में भी दिखाया था, इफ़ वी ड्रॉ गाजा स्ट्रिप लाइक दिस, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इफ़ यू मूव डाउन टू द वेस्ट ऑफ गाजा, तो यहाँ क्या है, मेडिटेरेनियन सी है। इफ़ यू कम डाउन टू द ईस्ट ऑफ गाजा, इट इज़ इसराइल। If you go north of Gaza, it is also Israel again. And there is only one exit for people of Gaza. There is the south end. And ये south end जो crossing है वो है आपका Rafah crossing. I hope I am making sense. ये Rafah को अगर आप cross करेंगे, then you will enter this Sinai Peninsula. And Sinai Peninsula is the part of Egypt. So millions and millions of people are fleeing from this area. ये Rafah crossing से they are trying to they are trying to flee the country, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक ये आप लोगों को समझ आ गया होगा, रफा क्रॉसिंग के बारे में बार बार है। इस ऊपर वाले क्रॉसिंग को जो है, जो नॉर्थ में जो क्रॉसिंग है ना, नॉर्थ में जो क्रॉसिंग है गाजा के, जो नॉर्थ में क्रॉसिंग है, इसको हम लोग एरिस क्रॉसिंग भी बोलते हैं। एक मिनट, आई एम जस्ट इरेजिंग दिस पार्ट। यहाँ देखिए, यहाँ जो ये जो नॉर्थ वाला पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं एरिस क्रॉसिंग,
अंडरस्टूड, ये हमारा एरेस क्रॉसिंग है एंड ये साउथ में जो है इट इज़ आर रफा क्रॉसिंग. ऑलराइट, अगर यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं. पहला है डेड सी. ठीक है, डेड सी को आपको समझना है. ये डेड सी है आपका. डेड सी के आसपास लगे हुए देखिए यहाँ पर तीन कंट्रीज जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपको तीन कंट्रीज जो है देखने को मिलेगा. कंट्री वैसे आप बोल सकते हैं कि जो है तीन कंट्री भी नहीं है, बेसिकली दो ही कंट्री है. इफ़ यू कंसीडर पार्ट ऑफ इज़राइल पैलेस्तीन, तो यहाँ पर तीन कंट्री है. अगर पैलेस्तीन को अगर आप कंसीडर नहीं करें तो दो ही कंट्री है. ये आपका है, यहाँ पर आपको जॉर्डन एक देश मिलेगा. डेड सी, वी आर टॉकिंग अबाउट डेड सी. ओके, ये डेड सी है. जॉर्डन आपको मिलेगा, इज़राइल आपको मिलेगा. ठीक है, ये जो है दो कंट्रीज जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा. ठीक है, डेड सी समझ में आ गया. डेड सी का लोकेशन आपने देख लिया. नेगेव डेजर्ट, नेगेव डेजर्ट जो है ये प्लीज़ याद रखिएगा, इट इज़ इन इज़राइल. इज़राइल का जो भी कुछ है वो सब आपको अच्छे से आना चाहिए. नेगेव डेजर्ट इज़ इन इज़राइल. ठीक है, तेलविव पहले ये फॉर्मर कैपिटल हुआ करता था ऑफ इज़राइल, बट बाद में अब इसको चेंज करके जेरूसलम कर दिया गया है. ठीक है, जेरूसलम कर दिया गया, पहले तेलविव था. तेलविव इज ऑल्सो बिगर सिटी एंड पोर्ट, देर इज ऑल्सो वन पोर्ट इन तेलविव ऑल्सो. ठीक है, वेस्ट बैंक देखिए, वेस्ट बैंक का लोकेशन देखिए, ये है वेस्ट बैंक. एंड वन पोर्ट, आई थिंक एब्सोल्यूटली इंपॉर्टेंट पोर्ट इज योर हाइफा पोर्ट. इन आपका हमारा इंटरनेशनल इंडिया मिडिल ईस्ट ईस्ट यूरोप जो कॉरिडोर है उसमें ये हाइफा पोर्ट से ही हम आगे जाके पिराइस पोर्ट जो है उसको कनेक्ट करेंगे. सो ये हाइफा पोर्ट बहुत एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी, और ऐसे भी आपको पता होना चाहिए. इंडिया मिडिल ईस्ट ईस्ट जो यूरोप कॉरिडोर है उसमें हाइफा पोर्ट जो है इसको हम मिडिल ईस्ट से हाइफा पोर्ट से कनेक्ट होंगे, फिर यहाँ से हम पिराइस पोर्ट जो कि ग्रीस में उससे हम कनेक्ट करेंगे. सो इट इज़ लाइक दिस ओनली. ठीक है, सो हाइफा पोर्ट याद रखिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाइफा पोर्ट. देखिए ऊपर एक कंट्री है लेबनन. ठीक है, लेबनन जो है यहाँ जो लेबनन है ये आपको देखने को मिलेगा. सो जो मेडिटेरेनियन सी जो है, मेडिटेरेनियन सी के पास एशिया का जो पार्ट है, एशिया का जो पार्ट है यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट चार कंट्रीज जो है देखने को मिलेगी, विच इंक्लूड्स लेबनन, इज़राइल, सीरिया एंड टर्की. ये चार कंट्रीज़ जो है आपको ईस्ट इन मेडिटेरेनियन सी में देखने को मिलेगा, जो एशिया का पार्ट है. अब मेडिटेरेनियन तीन कॉन्टिनेंट्स को कवर करता है. मेडिटेरेनियन सी का अगर आप लोकेशन देखेंगे वो तीन कॉन्टिनेंट्स में है. एशिया मैंने आपको बताया, लेबनन, इज़राइल, सीरिया एंड टर्की. सम पार्ट्स ऑफ योर अफ्रीका ऑल्सो, विच इंक्लूड्स मोरक्को, अल्जेरिया, ट्यूनिसिया, इजिप्ट एंड वन मोर कंट्री, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, वो लिबिया, यस लिबिया, एंड बहुत सारे कंट्रीज ऑफ योर यूरोप. ठीक है, यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज जैसे ग्रीस है, स्पेन है, बहुत सारी कंट्रीज जो है, अल्बेनिया है. ठीक है, ये सारी कंट्रीज मेडिटेरेनियन कंट्रीज. सो ऑलमोस्ट 22 कंट्रीज जो है मेडिटेरेनियन सी में जो है यहाँ पर बॉर्डरिंग कंट्रीज है. गोलन हाइट्स अगेन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सीरिया का ये जो है हिस्सा है. सो सीरिया में आपको गोलन हाइट्स देखने को मिलेगा. माउंट हर्मन अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग. एंड सी ऑफ गैलीली. ठीक है, सी ऑफ गैलीली जो है आपको इज़राइल में देखने को मिलेगा. प्लेसेस इन न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहा है सी ऑफ गैलीली. सी नहीं है, यू नो काइंड ऑफ, यू नो इट हैज़ बीन श्रिंकिंग कंटिन्यूसली. सो ये आपको याद रखना है, सी ऑफ गैलीली जो है ये याद रखना है, ये इज़राइल में है. प्लेसेस इन न्यूज़ में पूरे साल भर रहा है. जॉर्डन रिवर जॉर्डन से ऑब्वियसली गुजरता होगा एंड दिस इज़ वन कंट्री जॉर्डन, तो आपका इज़राइल का नेबर है. सो इज़राइल के नेबर में आपको कौन कौन देखने को मिल रहा है, इजिप्ट देखने को मिला, जॉर्डन देखने को मिला है, सीरिया देखने को मिला है, लेबनन देखने को मिला है. ठीक है, सो ये याद रखिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है लोकेशंस. आप लोगों को आना चाहिए, फिंगर टिप्स में आना चाहिए. आप लोगों को एटलीस्ट ये पता होना चाहिए, भले लोकेशन ना आए दो, बट हमने गोलन हाइट्स कहाँ सुना है, हमने माउंट हर्मन कहाँ सुना है, हमने सी ऑफ गैलीली कहाँ सुना है, हमने हाइफा पोर्ट कहाँ सुना है, हमने नेगेव डेजर्ट कहाँ सुना है, हमने एरेस क्रॉसिंग कहाँ सुना है, हमने रफा बॉर्डर कहाँ सुना है, ये सब आप लोगों को अब आना चाहिए. मैंने आप लोगों को जितना यू नो डिटेल में हो सके उतना डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा. वी कैन मूव ऑन टू दी नेक्स्ट न्यूज. द नेक्स्ट न्यूज इज गवर्नमेंट टू स्पेंड 2 crore पर किलोमीटर्स ऑन रोड अलॉन्ग चाइना बॉर्डर. ठीक है, सो चाइना बॉर्डर के अलॉन्ग जो है हम लोग 2 crore पर किलोमीटर जो है खर्च करेंगे. अब यहाँ पे समझिए, इफ यू वांट टू, अगर आप ऐसे इमेजिन करें कि एक प्लॉट ऑफ लैंड है, वो प्लॉट ऑफ लैंड में कोई रहता नहीं है. ठीक है, अगर उस प्लॉट ऑफ लैंड में अगर वो कोई रहता नहीं है, सो उस प्लॉट ऑफ लैंड को हड़पना ज़्यादा इजी रहेगा या फिर उस प्लॉट ऑफ लैंड को हड़पना ज़्यादा इजी रहेगा जहाँ पर लोग रहते हैं. ऑब्वियसली उस प्लॉट ऑफ लैंड को हड़पना ज़्यादा इजी रहेगा जहाँ कोई नहीं रहता है. सो वहाँ क्या है, बेसिकली चाइना का ये स्ट्रैटेजी रहा है, हमने जो अभी अब तक हमें समझ में आया कि दे आर ट्राइंग टू यू नो डू व्हाट इज़ नोन एज सलामी स्लाइसिंग.
सलामी स्लाइसिंग. अगर आप लोगों ने सलामी देखा होगा, इट्स वेरी थिन शीट्स और थिन लेयर्स ऑफ द मीट. ठीक है, मीट का बहुत थिन लेयर्स होता है, उसको हम लोग सलामी बोलते हैं. ठीक है, सो सलामी स्लाइसिंग वो करते हैं. अब सलामी स्लाइसिंग में क्या है, दे वोंट गो फॉर अ फुल फ्लेज्ड वार और दे वोंट टेक योर प्रॉपर्टी एंड देन एक वार लड़ रहे. दे आर नॉट डूइंग लाइक दैट. दे आर ट्राइंग टू यू नो कम धीरे धीरे एंड दे आर ट्राइंग टू इन्वेड दिस एरियाज. सो हमने क्या किया, हमने बोला कि भाई ऐसा तो नहीं होने वाला. ठीक है, एंड वट दे आर ड्रॉइंग, इफ यू रिमेंबर दो तीन या फिर दो चार क्लासेस पहले भी वी आर डिस्कसिंग अबाउट कि हाउ चाइना इज मेकिंग रोड इन अक्साई चिन. ठीक है, अक्साई चिन में हाउ दे आर मेकिंग रोड, काशगढ़ से ग्वादर तक दे हैव मेड दिस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. सो वो पूरा जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक पैटर्न है जहाँ पर दे आर ट्राइंग टू टेक अवे लेंस इन बिट्स एंड पीसेस. एक पूरे तरीके से नहीं बल्कि बिट्स एंड पीसेस में वो हमारा जो है जमीन ले रहे. सो आपको पता है कि अगर हमने ये गांव को अगर हमने छोड़ दिया देन ये ज़्यादा इजी रहेगा चाइना के लिए टू कम एंड ग्रास दैट एरिया. सो हम क्या चाहते हैं, अब लोग गांव से क्यों शिफ्ट करेंगे, इफ देर इज़ नो कनेक्टिविटी दे वोंट वांट टू लिव इन दैट एरिया, इफ देर इज़ नो यू नो अपॉर्चुनिटी टू लिव देयर, क्यों कोई लोग रहेंगे. तो यहाँ क्या होगा, माइग्रेशन होगा. ठीक है, गाँव से क्या होगा, माइग्रेशन होगा, और माइग्रेशन होगा तो ये गाँव एम्प्टी हो जाएंगे एंड इफ इट इज़ एम्प्टी इट विल बी वेरी गुड फॉर चाइना, बहुत अच्छा रहेगा चाइना के लिए, दे विल कम एंड टेक एरियाज धीरे धीरे करके. सो यहां पर क्या हुआ कि हमने 2022-2023 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया, 23 में एक यू नो न्यू एक यू नो लॉन्च वन प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने बजट में अनाउंस किया था, वो प्रोग्राम का नाम क्या है, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम. ठीक है, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम. अब यहां पर इस प्रोग्राम का क्या है, इसके बहुत सारे फायदे हैं. ठीक है, एक तो सबसे पहला तो है कनेक्टिविटी बेटर होगा बिकॉज वी आर ट्राइंग टू डेवलप रोड्स ब्रिजेस, वहाँ पर हम लोग जो है हाई क्वालिटी का जो है कनेक्टिविटी ऑल वेदर रोड्स हम लोग जो है प्रोवाइड कराना चाहते हैं. पहला चीज़ तो ये रहेगा कि हम लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी जो है हमारा इंप्रूव हो जाएगा. सेकेंड क्या रहेगा कि यहाँ पर पीपल जो है आप मतलब कोई भी जगह है ना, अगर वहाँ पर लोग नहीं रहते सो वो कहीं ना कहीं एक हमारा यू नो एक बेटर डेवलपमेंट नहीं हो सकता. इफ़ यू लुक एट एरियाज जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा है वहाँ पर क्या होगा कि डेवलपमेंट का जो चांसेस रहेगा वो बेटर रहेगा. बट इफ़ यू कम टू द बॉर्डरिंग विलेजेस जो चाइना म्यांमार या फिर नेपाल से जो भी कोई बॉर्डरिंग शेयर जो करता है, कोई भी अगर शेयर करता है, वो एरियाज जो है आपको ज़्यादातर एम्प्टी देखने को मिलेगा, वो विलेज जो है ज़्यादातर एम्प्टी देखने को मिलेगा. व्हाई, बिकॉज पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो यहाँ पर क्या है, उस जो स्ट्रैटेजी है उसको हम थोड़ा चेंज करना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि वहाँ पर लोग रहे, ठीक है, उन गाँवों पर लोग रहे, बिकॉज दे वुड एम्पावर दैट विलेजेस. ठीक है, और वो विलेजेस जो है वहाँ पर एक फिर से जो है जान आ जाएगी एंड कंट्रीज लाइक चाइना वोंट बी एबल टू टेक अवे लैंड्स फ्रॉम अस. सो इसीलिए ये हमारा टू जो है हमारा पर्पज को फुलफिल करेगा. पहला तो है कनेक्टिविटी इंप्रूव करेगा एंड सेकंड क्या होगा कि जो चाइना को हम बेटर काउंटर कर सकते हैं बाय यूजिंग आर ह्यूमन जो हमारा जो ह्यूमन प्रेजेंस है उसको हम यूज करके हम वहां पर यू नो वी वुड बी बेटर एबल टू यू नो काउंटर चाइना. अंडरस्टूड. सो ये जो है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और हमने क्या किया, गवर्नमेंट क्या करेगी, 2 करोड़ के जितना जो है पैसा पर किलोमीटर जो है खर्च करेगी. और कहाँ कहाँ, गांव कौन कौन से चाइना बॉर्डर के अलॉन्ग जितने स्टेट्स पड़ते हैं, जैसे उत्तराखंड है, सिक्किम है, ये सब, और अरुणाचल प्रदेश है, ये 3 स्टेट्स में जो है कनेक्टिविटी बेटर करने के लिए भी जो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का जो है ये लाया जाएगा. और काफ़ी अच्छा हेफ्टी अमाउंट भी जो है सैंक्शन किया जाएगा इन एरियाज में, जैसे 119 करोड़ इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड. फिर क्या है, सिक्किम में भी जो है आपको देखने को मिलेगा कि बहुत हाई ऑल वेदर रोड, हाई क्वालिटी रोड्स जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे चुंगथांग एंड मंगन ब्लॉक ऑफ नॉर्थ सिक्किम, यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा रोड्स बनाए जाएंगे, कॉस्ट ऑफ 96 करोड़. तो आपको देखने को मिलेगा कि हम जो है अभी कनेक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, जितना ज़्यादा हम कनेक्टिविटी पे फोकस करेंगे उतना बेटर हम काउंटर कर पाएंगे चाइना को. और ऑब्वियसली 1962 का वार हम क्यों हारे थे, एंड अगर कोई और दूसरा वार भी अगर हम हारे थे, व्हाई वी हैव लॉस्ट इट, बिकॉज हमारे पास वो यू नो टू मूव द ट्रक्स एंड टू मूव द पल्टन एंड टू मूव द यू नो टुकड़ी ऑफ सेना, वी नीड रोड्स, राइट. इफ देर इज नो रोड, वेर आर यू सपोज टू मूव द टैंक्स, हम टैंक्स कहाँ से लेके जाएंगे अगर रास्ते नहीं है. सो कनेक्टिविटी इज वन थिंग दैट वी मस्ट यू नो गवर्नमेंट नीड टू
फोकस ऑन कनेक्टिविटी, बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है कनेक्टिविटी पे फोकस करना। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट में भी जो हमारे नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया जो है अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर आपके बॉर्डर डेवलपमेंट जो BRO जो है उनको, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, इनको बहुत हेफ्टी अमाउंट दिया जाता है। हम लोग बहुत सारे टनल्स वगैरह भी बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल रोहतांग पास में अटल टनल हमने बना दिया कनेक्टिविटी बेटर करने के लिए ऑब्वियसली। एंड बहुत सारे जो है हम एयरपोर्ट्स भी खोल रहे हैं, व्हाई? टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि क्या है हमारा बॉर्डर वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब स्पॉन्सर्ड पढ़ते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये क्या है, आपको ये क्या होगा कि इट विल बी शेयर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, सेंटर और स्टेट्स के बीच में शेयरिंग करके जो है ये बनाया जाएगा। ये क्या है, 2025-26 तक जो ये प्रोग्राम चलेगा कि जो जितने भी नदर्न बॉर्डर्स है ना वहाँ पर लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना होगा और बॉर्डर्स जो विलेजेस है उन लोगों को एम्पावर और स्ट्रेंथन करने की यहां पर बात की गई है। कौन कौन से स्टेट्स को यहां पर कवर किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, के पांच एरियाज को आइडेंटिफाई किया गया है। यहाँ पर वाइब्रेंट विलेजेस का जो प्रोग्राम है उसको चलाया जाएगा। इट विल कवर 2963 विलेजेस, ऑलमोस्ट 3000 विलेजेस, विद 663 ऑफ देम टू बी कवर्ड इन फर्स्ट फेज। पहला फेज में जो है 663 विलेजेस को जो कवर किया जाएगा। वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान विल बी क्रिएटेड बाय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक्शन प्लान जो है बनाएगी विद द हेल्प ऑफ ग्राम पंचायत। ठीक है, देयर विल बी नो ओवरलैप विद बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो है ओवरलैप नहीं होगा, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम अपना प्रोग्राम चलाएंगे एंड हम ये जो वाइब्रेंट विलेजेस है वो अपना चलाएंगे। ठीक है, सो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में 90-10 का रेशियो होगा एंड जो नॉन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है वहाँ पर मे बी 60-40 का जो है रेशियो आपको देखने को मिलेगा बिटवीन सेंटर एंड दी स्टेट्स। ठीक है, याद रखिएगा ओवरलैपिंग नहीं होगा। एंड ये क्या है, वाइब्रेंट विलेजेस एक्शन प्लान, विलेजेस का जो लेवल पे एक्शन प्लान होगा वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ ग्राम पंचायत वो कवर करेंगे। आई होप ये टॉपिक जो है आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत हाई चांसेस है इसका एग्जाम में आने का, सो मेक श्योर यू आर डूइंग इट करेक्टली। ठीक है, लास्ट न्यूज़ फॉर द डे इज पैनल फ्लेक्स पुअर प्रोग्रेस इन रिवर्सिंग कॉल माइन डैमेजेस इन मेघालय। सो मेघालय में क्या है, यहाँ पर एक बहुत ये इफ आई जूम इन दिस पिक्चर इफ यू कैन सी दिस टाइप ऑफ होल्स, राइट? ये जो होल्स है ये आपको देखने को मिलेंगे। ये क्या है, हमने ये पहाड़ में what we have done is we have created holes। लोगों ने क्या किया, पहाड़ों में ही you know they have bombed this area, या फिर वो bomb नहीं करते तो वो छोटे छोटे you know hammers and खुरपी का use करके they have made this hole। अब इस होल में क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं, या तो एक स्लीपर इस तरीके से बिठा देंगे और उसमें क्या है छोटे छोटे बच्चों को या फिर कोई ग्रोन एडल्ट भी जो है वो जाकर दे वुड गो इनसाइड एंड दे वुड कलेक्ट कोयला। ठीक है, कोयला या फिर जो भी पाया जा रहा है वहाँ पर, तो वहाँ पर उन लोगों को मिल जाएगा। सो इसकी वजह से क्या है, ये जो रैट होल माइनिंग है ना ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था क्योंकि हमने जो सिलक्यारा जो टनल था वहाँ पर हमने कैसे रेस्क्यू किया, सिलक्यारा टनल में हमने रैट होल माइनिंग करके ही रेस्क्यू किया। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हुआ कि एक पैनल था वन मेंबर पैनल था, इन्होंने क्या बोला कि अभी तक जो है मेघालय में हमने जो है अच्छे से वो जो रैट होल माइनिंग का जो इश्यूज है उसको हम अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाए। ठीक है, जस्टिस काटा की जो है एक ऑनरेबल जस्टिस थे उनको जो है बनाया गया था पैनल का मेंबर और उन्होंने जो है रिकमेंडेशन जो है किया था बट रिकमेंडेशन को जो है अच्छे से फॉलोअप जो है वो नहीं करने को हमें देखने को मिला। ठीक है, सो रैट होल माइनिंग क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स डिगिंग small tunnels in large enough for a person to crawl through the through to extract coal। तो यहाँ पर क्या है देखने को मिलेगा कि ये जो rat holes है ये इतना ही बड़ा है जिसमें एक इंसान जाकर he would go inside, he would have a bulb torch in his head, he would go inside, he would collect and extract the coal and then he will come back। तो इतना ही space रहता है rat hole mining पे। ठीक है, सो यहाँ क्या है कि उन्होंने जो है अपना रिपोर्ट सबमिट किया है कि लेकिन यहाँ पर जो है वो अच्छे से जो है ये इन्होंने जो है यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा कि गवर्नमेंट्स ने जो है अच्छे से जो है यहाँ पर काम नहीं किया, ऐसा जो है द रिपोर्ट हैज़ बीन सेइंग। एंड पीपल ऑल्सो यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा ना कि जो मेघालय जो खासीगारो जयंतिया हिल्स में जो है आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ का जो कोयला का क्वालिटी है ऑल दो दे आर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। आपको पता होगा कि ये जो है हमारा खास गारो खासी जयंतिया ये जो तीनों हिल्स है ना दीज आर पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू का जो है ये हिस्सा है
तीनों, बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो कोयला मिलता है ना, दैट इज नॉट ऑफ हाई क्वालिटी, इतना ज्यादा हाई क्वालिटी नहीं है जो आपको इफ यू गो टू द छोटा नागपुर प्लेटू, आपको जितना झरिया कोल फील्ड्स हो गए, जहाँ पर भी आपको कोल फील्ड्स, रानीगंज हो गया, आसानसोल हो गया, जहाँ आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर कंपेरिजन में इट इज वेरी पुअर ऑफ पुअर क्वालिटी। बट इवन मतलब लोग क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा पैसा के लिए एंड ब्लैक मार्केटिंग के लिए दे गो एंड डू दिस थिंग, रैट होल जो है वो माइनिंग करते हैं एंड देन दे कम एक्सट्रैक्ट कोल फ्रॉम दैट एरिया। सो वॉट इज रॉन्ग विद दिस थिंग इज कि यहाँ पर जो है आप कोयला तो इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है आप कोल तो यू नो यू आर एक्सट्रैक्टिंग कोल फ्रॉम दैट एरिया, बट यहाँ क्या है कि कोयला जो है ना, दिस जो एरिया जहाँ से आप कोयला जो है इकट्ठा कर रहे हैं, वो एरिया पे यू आर फर्स्ट यू आर यू नो पहला तो आप उसको छेद कर रहे हैं, ठीक है, यू आर मेकिंग होल्स इन दी माउंटेन्स, ऐसे ही आप रास्तों पर वो नहीं छेद कर रहे, आप माउंटेन्स पे होल कर रहे हैं, तो देर इज चांस कि यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी अर्थक्वेक आएगा देन यहाँ पर ज़्यादा फील होगा, मे बी कोलैप्स जो है वो जो पूरा माउंटेन है वही कोलैप्स कर जाए, बिकॉज यू आर मेकिंग होल्स, इंडेंटेशंस जो है आप बना रहे हैं इन दैट एरिया जो कि वैसे ही वल्नरेबल है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। सेकेंड क्या है, इट इज़ नॉट इन्वायरमेंटली सेम, ठीक है, इन्वायरमेंटली दिस इज नॉट सेफ, ठीक है, इन्वायरमेंटली दिस इज नॉट सेफ, यू आर प्लेइंग विथ एनवायरमेंट बेसिकली। थर्ड क्या है, आप अगर रैट होल्स को देखेंगे, दिस आर वेरी स्मॉल, यहाँ पर क्या होता है बच्चों का बहुत ज़्यादा ट्रैफिकिंग का हिस्सा जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा बच्चों को ट्रैफिक करके लेकर आ जाएगा। अब वो छोटा सा होल है, बच्चों को लेकर आएंगे, बच्चे विल बी एबल टू गो इन साइड मोर फार, राइट, फर्दर वो अंदर जा पाएंगे, तो बच्चों का यहाँ पर ट्रैफिकिंग भी बहुत ज़्यादा जो है देखने को मिलेगा। फोर्थ क्या है, दिस इज़ नॉट ऑफ हाई ग्रेड कोल, सो ये क्या है, छोटा मोटा जो है आपको देखने को मिलेगा कि लोग यू नो दे आर ट्राइंग टू यू नो मेक थिंग्स वर्क, यहाँ पे जो है उतना ज़्यादा जो है हाई क्वालिटी का कोल नहीं मिलता, तो यहाँ पर ब्लैक मार्केट का भी बहुत हाई चांस रहता है। सो दीज आर सम थिंग जिसको हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है, रैच होल माइनिंग को जो है यहाँ पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मेघालय में देर आर थ्री हिल्स, याद रखिएगा, गारो, खासी, जयंतिया, मैंने आप लोगों को बताया ये तीनों हिल्स जो है यहाँ पर फॉर्म करते हैं एंड दिस आर नॉट पार्ट ऑफ हिमालयस, प्लीज़ डू रिमेंबर दिस, ये हिमालयस का पार्ट नहीं है, हिमालय के फॉर्मेशन में नहीं हुआ था, ये हुआ था हमारा जब नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू बना था तब ये प्लेटू का हिस्सा है, बाकी मोस्ट ऑफ दी जो हिल्स है आपको देखने को मिलेगा वो हिमालयन ओरिजिनेसिस के हैं, लेकिन ये क्या है, दीज आर दी पार्ट ऑफ प्लेटू का, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू का हिस्सा है, याद रखिएगा हिमालयस का हिस्सा नहीं है, गारो, खासी, जयंतिया, इसी सीक्वेंस में आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये समझ आ गया होगा। With this, we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.